नमस्कार, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य हिंदी। प्रिय बच्चों, आज हमारे व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सूरदास। पहले हम सूरदास का जीवन परिचय जानना चाहेंगे, उसके पश्चात पाठ्य पुस्तक में संकलित पदों की हम व्याख्या करेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म रुणकता नामक ग्राम में हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से ही इनकी ईश्वर में अगाध आस्था थी। ब्रज में गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नित्य नए पद लिखकर क्या बनाकर ईश्वर को ये अर्पित क्या करते थे। इनकी रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्त कवियों में अग्रणी स्थान रखते हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का, रूप माधुरी का, उनकी मुरली की महिमा, संयोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता दिखाई देती है। बाल्यकाल तथा युवावस्था के जीवन की मनोरम झांकियां इनके पदों में दिखाई देती है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे, मित्र थे। इनके भक्ति में सख्य भाव की भक्ति भी दिखाई देती है। अष्ट छाप की कवियों में सूर सबके शिरोमणि है। सूरदास ने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं और गीतिक काव्य के ये गायक भी थे। इनके सभी रचनाएं गाए जाने योग्य है। इनके काव्य में हमें निर्गुण का खंडन और सगुण की महिमा की स्थापना इनके काव्य में दिखाई देती है। यदि हम कहें कि सूरदास हिंदी के भक्ति साहित्य आकाश में दीप्यमान सूर्य की तरह वे चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। कृष्ण भक्त सूरदास ने प्रारंभ में उन्होंने भक्ति के विनय के पद लिखे। इनके पदों में प्रभु की महानता का चित्रण है और भक्त ने स्वयं को दीनहीन कहा है। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वह हिंदी साहित्य में अपने आप में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं एवं मानसिक वृत्तियों का जितनी सूक्ष्म दृष्टि से इन्होंने वर्णन किया है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। वात्सल्य और श्रृंगार का तो ऐसा लगता है कि सूरदास ने एक एक कोने को अच्छी तरह से देखा है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों
का ही बहुत ही व्यापक रूप में चित्रण करके इन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। राधा और कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से युवावस्था के प्रेम में परिवर्तित हो गया। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण के उछल कूद तथा हास विलास में क्रीड़ाओं का यथार्थ चित्र सूर ने अपनी रचनाओं में किया है। वियोग वर्णन के चित्रों में सूर अपना स्थान बहुत ही अच्छे ढंग से वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक रूप से वियोग वर्णन किया है। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। भाव पक्ष की दृष्टि से हम देखें तो इनकी भाषा ब्रज है और यह भाषा संयत है, सुव्यवस्थित है, भावानुकूल है, संस्कृत निष्ठ है। भाषा में स्वाभाविकता और प्रवाहशीलता भी है। इनके भाषा में माधुर्य और प्रसाद ऊज तीनों ही गुण दिखाई देते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, इसके अलावा फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती, बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में मिलता है। अलंकारों के अंतर्गत सूर के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। चलिए हम हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित पद की हम व्याख्या करते हैं। ये पद जो है सूर सागर से लिया गया है। पद की पंक्तियां इस प्रकार है। उठो अंखियां अति अनुरागी, एकटक मग जोवत अरि रोवती, पुल्यू पलन लागी, मिन पावस पावस ऋतु आई, देखत हो विद्वान अब तो कहा, क्यों चाहत हो छोड़त नीरस क्या, सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के, जानत सकल स्वभाव, जैसे मिले सूर प्रभु हमको, सब सोखों करूं उपाय। कठिन शब्द मग से तात्पर्य रास्ता, जोवती देखना, पावस वर्षा ऋतु, विद्वान विद्यमान, उपाव उपाय, सकल से तात्पर्य सभी। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर शीर्षक से ये पद लिया गया है। यहाँ गोपियां बहुत श्री कृष्ण से प्रेम करती है और गोपियों का अनन्य प्रेम कवि व्यक्त करते हुए उद्धव से ज्ञान योग की चर्चा न करके कि वे श्री कृष्ण को चाहने वाली है, श्री कृष्ण को चाहती है, तो गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव हमारी आंखें कृष्ण के अनुराग से रंजित है। वो तो आंखियां अति अनुरागी, एकटक मग जोवत अरु रोवत, भुल्यऊ पलन लागी, कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम से रंजित है, उनसे ही ये प्रेम करती है। ये आंखें उनके दर्शन के लालसा में सदैव खुली रहती है। एकटक मग जोवती, मग रास्ता के लगातार ये रास्ते को देखती रहती है, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है और इन आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। भूल्यऊ पलन लागी, कि ये कभी भी श्री कृष्ण को वो भुला नहीं पाती है और पल भर के लिए भी, भूल कर भी इनकी आंखें पल भर के लिए भी बंद नहीं होती है कि अपलक निरंतर श्री कृष्ण के आगमन का ये आंखें एक टक निष्पलक देखती है, राह की ओर इंतजार करती है, निहारती रहती है। बिन पावस पावस ऋतु आई, देखे तो विद्यमान, गोपियां कहती है कि बिना वर्षा के ही या तो हे उद्धव
वर्षा ऋतु आ गई है, ऐसा तुम खुद देख रहे हो, देखत हो विद्यमान कि आप खुद यहाँ उपस्थित हो, विद्यमान हो, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो कि बिना वर्षा ऋतु के ही हमारी आंखों से वर्षा ऋतु की तरह निरंतर झड़ी लगी हुई अविरल अश्रुधारा बहती रहती है। न मालूम अब भी है उद्धव तुम क्या कहना चाहते हो, अब तो कहा कि ये चाह तो छोड़त नीरस ज्ञान, कि इस प्रकार हमारी आंखों से अश्रुधारा को बहता हुआ देख कर भी आप द्रवित नहीं होते हो तो तुम क्या कहना चाहते हो, अब तुम हमारे प्राण ही लेना चाहते हो, यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो अपने नीरस ज्ञान का उपदेश देना बंद करो। अब तो कहा कि ये चाह तो छोड़त नीरस ज्ञान, क्या अब आप क्या चाहते हो, गोपियां कहती है उद्धव से कि तुम्हारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो ज्ञान मार्गी उपदेश है जो नीरस है, गोपियां सगुण मार्गी है, प्रेम मार्गी है, श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करने वाली है, तो वो उद्धव के नीरस ज्ञान से वो ऊब चुकी है, उन्हें उद्धव का जो नीरस ज्ञान है वो अच्छा नहीं लगता है। सुनो प्रिय सखा श्याम सुंदर के जानत सकल सुपाव, तो गोपियां ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सखा हो, इसलिए श्री कृष्ण के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हो, परिचित हो, समझते हो श्री कृष्ण का क्या स्वभाव है, अतः हे उद्धव कि तुम ऐसा उपाय करो जैसे मिले सूर्य प्रभु हमको सुकुम करूं उपाय, कि मित्र जो आप कृष्ण के अंतरंग मित्र है, आप श्री कृष्ण के स्वभाव से परिचित है, अतः हम आपसे निवेदन करती है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे कि श्री कृष्ण के हमें दर्शन हो जाए और श्री कृष्ण से हमारा मिलन हो, जैसे मिले सूर्य प्रभु हमको सुकुम करो उपाय, कि आप इस तरह का कोई उपाय कीजिए जिससे श्री कृष्ण के हमें दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण से हमारा मिलन हो गए। तो यहाँ गोपियों की प्रेम निष्ठता का, उनकी अनन्यता का, उनकी वेदना का और श्री कृष्ण से न मिल पाने के कारण उनकी जो विवशता है उसका मार्मिक वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। अलंकारों में अनुप्रास यमक विभावना अलंकार का प्रयोग इस पद में है। भाषा भावानुकूल है, सरल है तथा प्रभावपूर्ण है। धन्यवाद।